सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों, रिसर्च के अंदर एक और चीज़ है जो बार बार हमारे सामने आएगी, वो है हाइपोथीसिस। इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथीसिस क्या होती है और हाइपोथीसिस के कितने प्रकार हैं, नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेटेड हाइपोथीसिस के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइपोथीसिस होती क्या है। देखिए, अगर हम हिंदी में इसका जाने तो ये होता परिकल्पना। परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बनी है, परि तथा कल्पना। अब देखिए, परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ होता है चिंतन, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में चारों ओर से सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं परिकल्पना। अब रिसर्च के अंदर इसका मीनिंग क्या है, इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित तो समस्त समाधान पर विचार करना है। अब देखिए, रिसर्च के अंदर आपको पता है कि हम एक समस्या लेते हैं और उस समस्या के बारे में हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी ये समस्या है तो इसका ये समाधान हो सकता है, ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो अब मान के चलते हैं आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हम पहले से ही संभावना लगा लेते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो इस तरीके से होगा और हमारा जो अब की बार नेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। कई दोस्तों को ऐसा लग रहा कि अब की बार मेरा GRF क्लियर हो जाएगा और दोस्तों को पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, यानी कि पहले से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये होने वाला है। और जैसे कि हम किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते तो उसमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरे इतने % मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही संभावित परिणाम जान लेना वो होता है परिकल्पना कहते हैं, यानी कि पहले से ही कल्पना कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हमने दिया हुआ है। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हाइपोथीसिस के अंदर किस तरह के टाइप होते हैं। और यहाँ पे जैसे इन्होंने परिकल्पना की परिभाषा भी दी हुई है, यहाँ पे परिकल्पना की परिभाषा पढ़ सकते हैं। जैसे कर्लिंगर ने दिया है, परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। अब देखिए, हर जो थिंकर है उन्होंने अपने तरीके से परिकल्पना को समझाने की कोशिश की है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इनमें से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कर्लिंगर से एक बार क्वेश्चन आया था, हट से क्वेश्चन आया था, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। अब हम देखते हैं दोस्तों कि परिकल्पना के प्रकार किस तरह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारी आती है साधारण परिकल्पना। अब देखिए, साधारण परिकल्पना में क्या होता है, साधारण परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र दो होती है और इन्हें दो चरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे नाम से पता चल रहा है ये बिल्कुल सिंपल होती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं और उन्हीं के बीच में हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो उनके सीखने में प्रभाव पड़ता है, वो और अच्छे तरीके से सीखते हैं। और यहाँ पे सीखना तथा पुरस्कार दो चर हैं, ठीक है, और जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा की गई है, जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है, यहाँ पे भी हमने दो चीज़ें ली हैं। तो इस तरह की जो हाइपोथीसिस होती है वो सिंपल हाइपोथीसिस होती है। अगली आती है दोस्तों हमारे पास जटिल या कॉम्प्लेक्स हाइपोथीसिस।
अब इसके अंदर क्या होता है, जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो से अधिक चर होते हैं उसके अंदर हम रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसने एग्जांपल दिए, आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, यानी कि इसके अंदर आपने देखा कि दो से अधिक है। एक तो देखिए, बच्चे ने आइसक्रीम खाई और बीमार हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये दो वेरिएबल हो गए इसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, बच्चा क्या है कि स्कूल नहीं जा पाया, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तीन वेरिएबल हमारे पास हो गए। तो जहाँ पे दो से अधिक चरों की बात की जाए तो उस हाइपोथीसिस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथीसिस कहते हैं। और अब आते हैं दोस्तों हमारे पास सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल हाइपोथीसिस। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त और अर्थात परिकल्पना का स्वरूप एक जैसा हो, यानी कि ऐसी परिकल्पना जो हर समय और हर क्षेत्र में एक जैसी लागू हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का जैसे नाम से ही पता है कि जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लागू हो उसे कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप, पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है। अब देखिए, ये कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारा टेक्निकल फील्ड हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे कैसा भी फील्ड हो, अगर हम किसी को प्राइज़ देंगे, किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें सीखने की प्रक्रिया होगी वो तेज़ होगी। और ये चाहे आप अमेरिका में कर रहे हो, चाहे इंडिया में कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, ये हर जगह लागू होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हाइपोथीसिस कहते हैं, यानी कि ऐसी हाइपोथीसिस जो हर जगह और हर टाइम पर लागू हो। अब देखिए, अगली आती है हमारे पास एग्जिस्टिंग हाइपोथीसिस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। अब देखिए, यूनिवर्सल के अंदर हमने बात की थी कि ऐसी हाइपोथीसिस जो हर जगह हर टाइम पर लागू हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो हर जगह और हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती, वो कुछ व्यक्तियों के लिए लागू हो सकती है। और अब इसमें देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है, सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो पुरस्कार की बजाय दंड से सीखता है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बच्चा ऐसा जो दंड से सीखता है। अब कक्षा के अंदर जैसे मान के चलते हम 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से 30 के 30 बच्चे ऐसे नहीं है कि जो सभी को मार कुटाई की जाए तब वो सीखे, लेकिन उनके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल मारने से ही सीखते हैं। जैसे एक बात कही जाती है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जब उनको डांटा जाता है, उनको पीटा जाता है, तब वो काम करके लेके आते हैं। तो इस तरह की जो हाइपोथीसिस होते हैं उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग हाइपोथीसिस कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह की होती है। आगे दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो हाइपोथीसिस है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस, और इन्हें हिंदी में कहते हैं शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। इनके बारे में अच्छे से पता होना हमें ज़रूरी है। अब देखिए, एक चीज़ इसके अंदर हम बताते हैं कि इनके बारे में सबसे पहले प्रोफेसर आर ए फिशर ने बताया था, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस किसने दी थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इनके अंदर हमें देखना ज़रूरी है कि जो नल हाइपोथीसिस है उसको H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस को H1 और HA से संबोधित किया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम नल हाइपोथीसिस देखते हैं। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो शोध परिकल्पना है इसे हम वैकल्पिक परिकल्पना या अल्टरनेटिड हाइपोथीसिस भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथीसिस शोध परिकल्पना यानी कि अल्टरनेटिड हाइपोथीसिस के ठीक विपरीत होती है। अब देखिए, इसके अंदर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नल हाइपोथीसिस के अंदर हमारे पास अगर दो या दो से अधिक चर है तो उनके अंदर हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता, वो हमें इक्वल नज़र आती है। अब देखिए, इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए,
देखिए, जैसे एक तो हमारे पास साइंस के स्टूडेंट हैं और दूसरी तरफ अपने पास आर्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब इनके उपलब्धियों में हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी होगी नल हाइपोथीसिस, यानी कि हमें इन दोनों की नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये नल हाइपोथीसिस है, ये दोनों इक्वल है। आगे हम देखते हैं दोस्तों वैकल्पिक परिकल्पना। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिड हाइपोथीसिस शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है। अब ये जो अल्टरनेटिड हाइपोथीसिस होती है, ये नल हाइपोथीसिस के उल्टी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ऊपर के ही उदाहरण को देखते हैं हम, ये देखिए, जैसे ऊपर के ही उदाहरण को देखते हैं हम, इंटरव्यू लेने पर हमें पता चलता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में काफ़ी अंतर है। ये देखिए, यहाँ पे नल हाइपोथीसिस में हमने पहले क्या देखा कि एक टेस्ट लेके देखा था, तो उसमें साइंस और आर्ट के जो बच्चे थे उन दोनों के इक्वल इक्वल नंबर आए थे, ठीक है। तो उस बेस पे हमने कहा था कि ये नल हाइपोथीसिस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बार हमने क्या किया कि दोनों तरह के साइंस के बच्चों और आर्ट के बच्चे, इन दोनों का हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने से हमें पता चला कि जो साइंस के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी अल्टरनेटेड हाइपोथीसिस हो गई, ठीक। हाइपोथीसिस के बाद में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है दोस्तों एरर इन रिसर्च। अब एरर इन रिसर्च करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह के एरर होते हैं दोस्तों, एक होता है टाइप वन एरर और एक होता है टाइप टू एरर। अब देखिए, टाइप वन एरर क्या होता है, इन दिस रिसर्च इफ़ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो बैड क्वालिटी। अब देखिए, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क आप सभी को पता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पीना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब रिसर्च की जाए या फिर कहीं पे हम देखें, तो अगर रिसर्च हमें ये बताएं कि जो मिल्क है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा टाइप वन एरर। यानी कि किसी अच्छी चीज़ को अगर रिसर्च गलत बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और आगे हम देखते हैं कि टाइप टू एरर क्या होता है। टाइप टू एरर के अंदर क्या होता है, इन दिस रिसर्च इफ़ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बैड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो दिस गुड क्वालिटी, देन वी से इट टाइप टू एरर। अब देखिए, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी खराब प्रोडक्ट को अगर रिसर्च अच्छी क्वालिटी का बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप टू एरर कहते हैं। अब देखिए, टाइप टू एरर के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि शराब का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम सभी को पता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कई लोग और रिसर्च हमें ये देखने को मिल जाएगी जो कहेगी कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बियर पीना स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी खराब प्रोडक्ट को रिसर्च ये कहे कि ये तो अच्छी क्वालिटी का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइप टू एरर बोला जाएगा इसे। और इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जो रेड कलर में, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, टाइप वन एरर हैपन व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथीसिस, यानी कि जब ट्रू नल हाइपोथीसिस को गलत बता दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं। अब वही बात है कि जो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट को जब गलत बता दिया जाता है तो वो क्या होगा, टाइप वन एरर होगा, यानी कि नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो होगा टाइप वन एरर। अब देखिए, टाइप टू एरर हैपन व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स हाइपोथीसिस, यानी कि जब हम खराब प्रोडक्ट को खराब ना कहे तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइप टू एरर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने टाइप वन और टाइप टू एरर अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और हाइपोथीसिस भी हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमें आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते। हम इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़, अगर आपको हमारी
वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।